हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक है द फैमिली। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो उसमें हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था और उसको हमने एंड किया था बाय एनलिस्टिंग द टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें फैमिली, गवर्नमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमीज, ये सब हमने देखा था। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज़ फैमिली। तो इस लेक्चर में हम फैमिली को ही कवर अप करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अगर डेफिनेशन की बात करें कि एक फैमिली होता क्या है, एक फैमिली जो है ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग रहते हैं और वो जो लोग आपस में साथ रहते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं बाय बर्थ, बाय मैरिज या फिर बाय अडॉप्शन। ठीक है, एक फैमिली जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग रहते हैं और वो लोग आपस में रिलेटेड होते हैं बाय बर्थ, मैरिज और बाय अडॉप्शन। ठीक है, और ये जो सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं एक फैमिली में, उन्हें कंसिडर किया जाता है एज द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। एक फैमिली जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग रहते हैं और वो आपस में रिलेटेड होते हैं बाय बर्थ, मैरिज और बाय अडॉप्शन। और ये जो सारे मेंबर्स हैं जो एक फैमिली में रहते हैं, उन्हें कंसिडर किया जाता है एज द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। एक वर्ड हमारे पास आता है फिलिपिनो फैमिली। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि व्हाट इज़ फिलिपिनो फैमिली। फिलिपिनो फैमिली को हम इन सिंपल वर्ड्स एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की फैमिलीज आती हैं, वन इज़ स्मॉल फैमिली एंड अदर वन इज़ लार्ज फैमिली। स्मॉल फैमिली जो है इसमें चार या छः तक लोग रह सकते हैं, मतलब पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के साथ रहते हैं। ठीक है, तो उस फैमिली को हम एज अ स्मॉल फैमिली कंसिडर करते हैं। एंड अदर वन इज़ लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली में क्या होता है कि उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, कज़िन्स, ये सब एक साथ रहते हैं जो लार्ज फैमिली को फॉर्म करते हैं। तो वो जो लार्ज फैमिली होती है उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली को हम फिलिपिनो फैमिली भी कहते हैं। ऐसा क्यों? एक्सटेंडेड फैमिली को हम फिलिपिनो फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फिलिपाइंस होते हैं, फिलिपाइंस की जो फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत ही लार्ज होती हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा उनके चिल्ड्रंस होंगे, जितनी ज़्यादा वो उनकी वेडिंग्स करेंगे, तो उनके पेरेंट्स को स्पॉन्सर किया जाता है, पे किया जाता है फॉर एवरी वेडिंग ऑफ देयर चाइल्ड। ठीक है, तो इसलिए उनकी फैमिलीज़ जो होती हैं लार्ज फैमिलीज़ होती हैं। इसीलिए एक्सटेंडेड फैमिली को इन शॉर्ट फिलिपिनो फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि फिलिपाइंस की फैमिली होती ही है एक्सटेंडेड फैमिली। तो अगर आप किसी को कह रहे हो कि फिलिपिनो फैमिली है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर बहुत लार्ज फैमिली होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ द फैमिली। एक फैमिली जो है क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या रोल्स परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, जो हमें पता है कि फैमिली जो है ये बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, एक चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो सबसे पहले वो किस सोशल इंस्टीट्यूशन में आता है? फैमिली वाले सोशल इंस्टीट्यूशन में आता है। तो जो फैमिली रोल परफॉर्म कर सकती है वो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन रोल परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि एक फैमिली जो है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक फैमिली जो है ये रिप्रोडक्शन करती है न्यू इंडिविजुअल्स की, कंटिन्यूएशन करती है रेसेस की, कंटिन्यूएशन करती है जनरेशंस की। ठीक है, यानी कि यंग वंस को ऐड करते जाती है एक सोसाइटी में और क्या करती है, कंटिन्यूएशन ऑफ रेसेस करती है, जनरेशंस को कंटिन्यू करती है। ठीक है, ये एक यूनिक फंक्शन है जो कोई भी दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट इज ये क्या करता है, ये कल्चर ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। ठीक है, यानी कि जो मतलब कल्चरल ट्रांसमिशन ऑफ एनकल्चरेशन का मतलब ये है कि एक जनरेशन में अगर कोई कल्चर आ रहा है तो वो या तो उसके पैटर्नल साइड से आएगा या तो उसके मैटर्नल साइड से आएगा। ठीक है, या तो बाय फादर आएगा या तो बाय मदर आएगा। ठीक है, तो कल्चरल ट्रांसमिशन होता है जनरेशन टू जनरेशन में, इधर बाय द मदर और बाय द फादर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि जो फैमिली होती है, फैमिली एक पहला सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे एक चाइल्ड एंटर होता है। तो फैमिली ही जो है वो एक चाइल्ड को सिखाती है कि उसका रोल क्या है और उसका स्टेटस क्या है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है कि एक फैमिली जो है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और अफेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी चाइल्ड को। ठीक है,
नेक्स्ट है, एक फैमिली जो है वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है एक चाइल्ड को, एक इंडिविजुअल को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके और सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सके इन रिलेशन टू अदर्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये प्रोवाइड करता है सोशल स्टेटस. जो मैंने पहले ही बोला कि एक फैमिली जो है एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है रिकोगनाइज करने में उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका रोल क्या है सोसाइटी में. सो दिस वॉज द फंक्शंस ऑफ फैमिली. ठीक है, फिर से एक शॉर्टली हम रिपीट करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं. ये रिप्रोडक्शन करता है यानी कि एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स करता है इन द सोसाइटी. ये कल्चरल ट्रांसमिशन करता है, सोशलाइजेशन करता है चाइल्ड की, प्रोवाइड करता है अफेक्शन एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ सेल्फ कंसेप्ट के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है रिकोगनाइज करने में उसका सोशल स्टेटस. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फैमिलीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी भी है, सो यहाँ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ जो है ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की फैमिलीज़ को दिया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर. ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके बेसिस पे जो है फैमिली को डिवाइड किया गया है. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली हमारे पास दो टाइप्स की फैमिलीज़ हैं. वन इज़ कंजुरल फैमिली या फिर जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं. अनदर वन इज़ कॉन्सेंग्यून फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली या फिर कॉन्जुरल फैमिली हमारे पास एक ऐसी फैमिली होती है जिसको हम स्मॉल फैमिली भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ़ पीपल जो है वहाँ पर रहते हैं. जैसे हस्बैंड वाइफ विद देयर चिल्ड्रन जो है जहाँ पर रहते हैं उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. मतलब पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रंस जहाँ पर रहते हैं उसको हम न्यूक्लियर फैमिली या फिर कॉन्जुरल फैमिली कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड फैमिली या फिर कॉन्सेंग्यून फैमिली. जो मैंने पहले ही कहा था, बहुत सारे कपल्स साथ में रहते हैं, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, कजिन्स सब साथ में रहते हैं, एक लार्ज फैमिली की फॉर्मेशन करते हैं, जॉइंट फैमिली इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, तो उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली हमारे पास आता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैरिज. ठीक है, जो हमारे पास मैरिजेस होती हैं वो दो टाइप की मैरिजेस होती हैं. वन इज़ मोनोगैमी एंड अदर वन इज़ पॉलीगैमी. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी हमारे पास डिफरेंट टाइप की फैमिलीज़ दी गई हैं. सबसे पहले मोनोगैमी क्या होता है? मोनोगैमी मीन्स वन मैन इज़ मैरिड टू वन वूमेन या फिर वन वूमेन इज़ मैरिड टू वन मैन. ठीक है, तो ये हमारे पास मोनोगैमी होता है. नेक्स्ट इज़ पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी का मतलब होता है प्लूरल मैरिजेस, यानी कि इधर द मैन इज़ मैरिड टू मोर देन वन वूमेन या फिर जो वुमेन है शी इज़ मैरिड टू मोर देन वन मैन. ठीक है, तो उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं. तो पॉलीगैमी के बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप्स के फैमिलीज़ या फिर तीन टाइप के मैरिजेस हमारे पास दिए गए हैं. पॉलीगैमी में पहला आता है पॉलीएंड्री, नेक्स्ट इज़ पॉलीगैमी एंड अदर वन इज़ सिनोगैमी. ठीक है, पॉलीएंड्री का मतलब ये है कि एक वुमेन जो है वो एट द सेम टाइम दो या दो से ज़्यादा मेंस के साथ मैरिड है. ठीक है, एक वुमेन दो या दो से ज़्यादा मैन के साथ मैरिड है एट द सेम टाइम, दैट इज़ नाउन एज पॉलीएंड्री. ठीक है, पॉलीगैमी मीन्स एक मैन जो है ही इज़ मैरिड टू मोर देन वन वुमेन एट द सेम टाइम. ठीक है, पॉलीएंड्री मीन्स वुमेन इज़ मैरिड टू मोर देन वन मैन, पॉलीगैमी मीन्स मैन इज़ मैरिड टू मोर देन टू वुमेन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज सिनोगैमी. सिनोगैमी का मतलब है कि जब एक मैन जो है सॉरी जब एक दो या दो से ज़्यादा मेन जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा वुमेंस के साथ मेट करते हैं इन द ग्रुप मैरिजेस. ठीक है, यानी कि मतलब इनके सेक्सुअल पार्टनर्स अलग अलग होते हैं, यानी कि जो एक मेन है मतलब वन मैन फ्रॉम द वन ग्रुप ऑफ मैरिजेस जो है वो मेट करता है विद टू और मोर वुमेंस फ्रॉम द अदर मैरिज ग्रुप्स. ठीक है, दैट इज़ नाउन एज सिनोगैमी. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा. डिपेंडिंग अपॉन द मैरिजेस हमारे पास दो टाइप्स की मैरिजेस होती हैं, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी. ठीक है, मोनोगैमी मींस वन मैन मैरिड टू वन वुमेन. ठीक है, और वन वुमेन मैरिड टू वन मैन. बट पॉलीगैमी जो है यहाँ पे डिफरेंट मैरिजेस होती हैं विद डिफरेंट ग्रुप नंबर ऑफ पीपल्स. ठीक है, पॉलीएंड्री में वन वुमेन इज मैरिड टू मोर देन वन मैन, पॉलीगैमी में वन मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वुमेन. सिनोगैमी में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा मैन जो है वो मेट करते हैं विद टू या मोर देन टू वुमेन्स फ्रॉम द अदर मैरिज ग्रुप्स. ठीक है,
नेक्स्ट हमारा टाइप आता है लाइन इन डिसेंट. लाइन इन डिसेंट का मतलब है कि जो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, मतलब एक इंडिविजुअल को अगर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है सोसाइटी में तो वो किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. तो डिपेंडिंग अपॉन द लाइन इन डिसेंट हमारे पास तीन टाइप की फैमिलीज हमारे पास बनती हैं, पैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल एंड बाइलिनियल. पैट्रिलिनियल फैमिली वो होती है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को उसके मतलब पैटर्नल साइड से रिकॉग्नाइज किया जाता है, फादर लाइन से रिकॉग्नाइज किया जाता है, और मैट्रिलिनियल में एक इंडिविजुअल को मैटर्नल लाइन से रिकॉग्नाइज किया जाता है. एंड लास्ट वन इज़ बाइलिनियल. बाइलिनियल में उसको बोथ फादर और मदर वाले लाइन से रिकॉग्नाइज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि फैमिली जहाँ पे रहती है उसके बेसिस पे एक फैमिली को क्या कहा जाता है. ठीक है, हमारे पास तीन टाइप्स की फैमिली आती है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस. वन इज़ पैट्रिलोकल, मैट्रिलोकल एंड नियोलोकल. पैट्रिलोकल मीन्स जो हस्बैंड एंड वाइफ है विद ईयर चिल्ड्रंस वो फादर वाली साइड रह रहे हैं, मतलब हस्बैंड के साइड रह रहे हैं, हस्बैंड की फैमिली के साथ रह रहे हैं. मतलब जो बेसिकली जो होता है यूजुअली, मतलब जो एक फैमिली होती है वो मतलब जो हस्बैंड होता है उसकी फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब जो न्यूली मैरिड कपल है वो हस्बैंड की फैमिली के साथ रहते हैं. मैट्रिलोकल मीन्स जो न्यूली वेड मैरिड कपल्स हैं वो वुमेन वाली साइड के साथ रह रहे हैं, यानी कि जो सॉरी वाइफ की फैमिली के साथ रहते हैं. एंड नियोलोकल मीन्स जो न्यूली वेड मैरिड कपल होता है वो अपना एक न्यू सेपरेट हाउस होल्ड बनाता है. ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं इसको. अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ रेजिडेंस हमारे पास तीन टाइप्स की फैमिलीज होते हैं, पैट्रिलोकल, मैट्रिलोकल एंड नियोलोकल. पैट्रिलोकल मीन्स जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो हस्बैंड की फैमिली के साथ रहता है. मैट्रिलोकल मीन्स न्यूली मैरिड कपल जो है वो वाइफ की फैमिली के साथ रहता है. और जो नियोलोकल फैमिली होती है, जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं वो एक सेपरेट हाउस होल्ड बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली हमारे पास आती है अथॉरिटी के बेसिस पे, या फिर हु इज़ कंसिडर्ड एज द हेड, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली पे डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फैमिली क्या होती है. ठीक है, तीन फैमिलीज हमारे पास आती हैं, पैट्रियार्चियल, मैट्रियार्चियल एंड इक्वी लिटरेन. पहला हमारे पास आता है पैट्रियार्चियल. पैट्रियार्चियल का मतलब है ऑब्वियसली पैट्री मीन्स फादर, तो दैट मीन्स फादर जो है उसे कंसिडर किया जाता है एज द हेड ऑफ द फैमिली और वो डोमिनेंट रोल परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज मैट्रियार्चियल मीन्स मदर या फिर फीमेल ऑफ द फैमिली जो है उसे हेड कंसिडर किया जाता है और वही मेजर डिसीजंस की फॉर्मेशन करती है. नेक्स्ट इज़ इक्विलिटेरियन. यहाँ पे क्या होता है कि बोथ फादर एंड मदर जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, इक्वली उनको हेड कंसिडर किया जाता है और इक्वली वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और उनको इक्वल अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैमिली, मतलब टाइप्स ऑफ फैमिली, फंक्शंस ऑफ फैमिली, डेफिनेशन ऑफ फैमिली, हमने सब कुछ यहाँ पे देख लिया. जो टाइप्स ऑफ फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशन, जिसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने कर लिया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन की डेफिनेशन के बारे में. ठीक है, तो एजुकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन होता है या फिर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे रोल्स और नॉर्म्स सेट किए जाते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की जाती है, वैल्यूज़ की जाती है और पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ठीक है, आई रिपीट, जो एजुकेशन होता है ये एक ऐसा सोशल सिस्टम होता है, सॉरी सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें सेट ऑफ रोल्स एंड नॉर्म्स होते हैं जो इंश्योर करता है कि नॉलेज, वैल्यूज़ और पैटर्न ऑफ बिहेवियर का ट्रांसमिशन हो सके फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारे पास एजुकेशन में एग्जांपल्स आती हैं. इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको सिर्फ डेफिनेशन तक ही रखूँगी. फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा. आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.